मतलब जिंदगी के मसले कभी खत्म नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी प्यारी सी निमरा शेफर, मेरे चैनल जिंदगी जियो और निमरा के साथ में आप कहती हूँ खुश आमदीद। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। और अचानक से बस एकदम से मैं तैयार हो ही गई और दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ईद तो मनानी है, चाहे रो के मनाओ चाहे हंस के मनाओ। तो अभी यह है कि तैयार में हो गई हूँ, लेकिन मैंने अपने मोबाइल का लॉक खोला तो वो खुल ही नहीं रहा था। मैंने इतना ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया, जो मोबाइल के जो लॉक है उसने मुझे पहचाना ही नहीं। खैर अब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तैयार हुई हूँ कि चलो मेरी दो चार पिक्चर्स ही अच्छी आ जाएंगी और फिर ये भी नहीं रहेगा। तो इसके इससे पहले पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पिक्चर्स अच्छी आ जाएं। तो बाकी ये है कि सादा सा ड्रेस मैंने पहना है, बाकी रहे मैं साथ देखती हूँ क्या होता। अभी गाइज हुआ ये कि बस सुस्ती आज मुझे लेके बैठ गई है, पता नहीं क्या सीन हुआ है कि मेरा दिल ही नहीं किया कुछ भी करने को। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि अभी मैं चेंज करती हूँ, अभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अभी मैं कुछ करती हूँ, तैयार शेयर होती हूँ, और अब यही सोचते सोचते पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। और आप मुझे देख रहे हैं तीसरे दिन भी उसी कपड़ों में। खैर कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। तो बाकी अभी 6:45 हो रहे हैं, 6:15 बजे अजान की टाइमिंग जो है ना वो मौलवी ने अभी बताई है। तो हालांकि कपड़े वगैरह भी मैंने प्रेस कर लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा नहीं दिल किया कुछ भी करने को। बस मैंने मोबाइल स्क्रॉल किया गाइज, जो मेरी रियलिटी है ना लाइफ की वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने मोबाइल सारी रात मोबाइल स्क्रॉल किया बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो अब यह है कि अभी ये सारे तैयार होके मेरे जो भी भाई अब्बू हैं जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, और आएंगे और आते ही ये सो जाएंगे। मुझे लगता है मैं भी सो जाऊँगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है। सो मैं आज कुछ भी नहीं शूट कर पाई। अभी तैयार होके मेरे भतीजे आते हैं, वो पूरी रात के जाग रहे हैं छोटे छोटे, कहते हैं हमने ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है जी, पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात के इधर फिर उधर फिर। तो अभी तैयार होंगे वो, अभी आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी कुर्बानी के जानवर हम अंदर ले आए हैं, ये देखें ये इधर खड़ा हुआ है बेचारा, इतना बेचैन है। इसके लिए हमने पंखा भी लगा दिया, लेकिन ये इतना बेचैन है। अकेले जानवर हो ना तो डरते हैं, ये ना हम अकेले हैं तो उनके पास जब कोई बैठा रहे फिर वो चैन से बैठते हैं, वरना आपको पता चांद रात कुछ चुजियाँ नज़र आती ही आती हैं। तो ये सीन है। बाकी लग रहा है कि मैं ना मतलब कि अब मैं फ्रेश होके ही सो जाऊँ, वरना ना जब मैंने उठना है तो कसाई आ गया होगा और फिर हमारी कुर्बानी हो जाएगी। तो हर ईद पे यार यही होता, मेरा यही हाल होता है, नहीं दिल करता ज़बरदस्ती भी। खैर अब रहे मेरे साथ, देखते हैं कि मैं क्या व्लॉग बना पाती हूँ अब इतने शॉर्ट टर्म में। लोगों के जो दूसरे बाकी व्लॉगर्स हैं बड़े बड़े, उनके एक दिन में दो दो व्लॉग्स आए हैं, और मुझे देखो मैंने एक भी नहीं बनाया। चलो खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा भी। तो बाकी और मैं स्टेटस भी लोगों को पढ़ रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ईद है, ईद वाली फील ही नहीं आ रही, ईद वाली वाइब्स ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर रहे मेरे साथ। क्या पहना तुमने? देखो आप पीछे जाओ, जा रहे हो नमाज पढ़ने, तुम्हें नींद नहीं आई सारी रात की तो तुम जाग रहे हो। हाँ बस इनका भी थोड़ा टाइम रह गया, हाल देखें गली कितनी गंदी हो गई है। चलो सहेंगे, लो टोपी पहने शेरनाथ पढ़ रहा है यार, ये बनाना है इसको। खड़ा होता रहा खाओ जा। बस इतनी सी पढ़नी थी, इसने चुप भी हो गया। तो बस तब फिर अल्लाह कोई पागल ही होगा जो इतनी धूप में ऊपर आके पिक्चर्स बना रहा होगा या वीडियो। इंतहा की गर्मी पड़ी है। आईफोन लिया था कि पिक्चर्स बड़ी अच्छी आएंगी, वीडियोस आएंगी। अब आईफोन भी आ गया गाइस, लेकिन अब कोई नहीं है जो मेरी पिक्चर्स बनाए। अब मुझे एक पिक्चर खींचने वाला चाहिए। मतलब ज़िंदगी के मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते। पिछली ईद पर मैं कह रही थी मेरी पिक्चर्स अच्छी नहीं आई, मुझे आईफोन चाहिए। अब इस ईद पे आईफोन आ गया है, लेकिन अब पिक्चर्स बनाए कौन? बहुत गर्मी है यार, मैं जा रही हूँ नीचे, बाहर में जाए पिक्चर्स, बाहर में जाए वीडियोस।
चलो गाइस हम व्लॉग पे काम चलाते हैं, सड़ गया मेरा मुंह। चलो मैं जा रही हूँ नीचे, मेकअप लगा के सो जाऊंगी मुझे लगता है मैं। ओके चलती हूँ नीचे जाके मिलती हूँ। गुस्सा शुस्सा मैंने पहना, मैंने कहा मेरी पिक्चर्स भाई ने बनाई हैं दो तीन, इतनी बकवास आई हैं ज़रा भी नहीं सही है। और धूप की शिद्दत आप चेक कर सकते हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है मुझे लगता है 6:30, हाँ 7 बजे का टाइम है। चलो गाइस चलते हैं नीचे, व्लॉग बन गया। अगले पूरे 10 दिन तक मैं आपको त्यार नहीं नजर आने लगी, वो तो हो गया पागल ये वकूफ। चलो गाइस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यही थी मेरी चादर, यही थी मेरी ईद। अब मैं सोने लगी हूँ, टाइम देखना क्या होगा, 7:30। अल्लाह हाफिज़।